नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके रियल स्पार्क चैनल पे। और दोस्तों आज इस वीडियो में एक नई जानकारी, आपने सुना होगा कि बस को लोग हाईजैक कर लेते हैं, और आपने सुना होगा कि क्या कहते हैं उसको, एयरप्लेन को अक्सर लोग हाईजैक करते हैं। एयरप्लेन को तो सबसे ज़्यादा हाईजैक किया जाता है, क्योंकि उसे जब ऑन एयर रहता है, वो आकाश में रहे, तो हाईजैक करके जहाँ मन करे वहाँ लेते जाओ। इस तरह की कई फिल्में भी देखी होंगी आपने। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सुना है कभी कि ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाए? ये एकदम इम्पॉसिबल सा है। एक आपको लगता होगा कि यार ये कैसे संभव है कि कोई ट्रेन को हाईजैक कर ले, लेकिन हाँ ये संभव हुआ है, और ये कहीं और नहीं दुनिया में, हमारे देश में संभव हुआ है। हमारे देश में एक दो बार नहीं, कई बार ट्रेनों को हाईजैक किया गया है, और पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक करके किसी दूसरे जगह पहुंचा दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको इसीलिए इस वीडियो में ये बताऊंगा कि हमारे यहाँ ट्रेन को कैसे हाईजैक किया गया। मैं आपको दोस्तों मुश्किल से 2 से 3 घटनाएं बताऊंगा, और बहुत इन्फॉर्मेटिव। 3 अगस्त 2017 को बिहार के लखियासराय जिले में भालुई पैसेंजर रेलवे स्टेशन पर दानापुर दुर्ग एक्सप्रेस, या जिसका नंबर था 13288 को रात में 2:30 पर माओवादियों ने हाईजैक कर दिया। हालांकि आरोप लगाया गया कि ये माओवादियों ने हाईजैक कर लिया। ट्रेन हाईजैक करने के बाद माओवादियों ने एक नजदीक का मोबाइल टावर भी उड़ा दिया। सीआरपीएफ के जवानों और नक्सलियों के बीच फायरिंग हुई और काफी लंबी लड़ाई हुई। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, इसका पता भी नहीं चल पाया, लेकिन बाद में उस ट्रेन को छुड़ा लिया गया और माओवादी वहां से भाग गए। तो दोस्तों, एक बहुत ही मतलब रोचक घटना थी कि किस तरह से पूरे ट्रेन को माओवादियों ने हाईजैक करके कुछ किलोमीटर आगे ले गए, और उसके बाद हटा दिया वहां से, और उसके बाद सीआरपीएफ आई, और उसके बाद हाईजैक करने वाले माओवादियों पे लड़ाइयां शुरू हो गई, उसके बाद जाके ये बची ट्रेन। इसी तरह दोस्तों, 13 जून 2017 को भी माओवादियों ने धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस को जमुई स्टेशन पर दिन में करीब 1 बजे ही हाईजैक कर लिया। पूरी तरह से ट्रेन को कैप्चर कर लिया, उसमें सारे पैसेंजरों को कैप्चर कर दिया। उन्होंने लोको पायलट को बंधक बनाकर ट्रेन को 2 घंटे तक हाईजैक करके रखा, यानी कि उसको हाईजैक कर लिया और कई किलोमीटर तक दूसरी जगह ले गए और उसको हाईजैक करके रखा। इस दौरान उन्होंने एक्सपोर्ट पार्टी के आर्म्स और एनिमेशन भी लूट लिए। जनरल डिब्बे के यात्रियों को बंदूक के नोक पर नीचे उतार के उनको भी लूटा। ये कहा जाता है दोस्तों, चूंकि ये दोनों घटनाएं मैं आपको बता दूं माओवादियों से रिलेटेड है, और हमारे देश में माओवादियों को लेके कई तरह के भ्रम, कई तरह के विवाद है, तो मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता हूं कि ये माओवादियों ने ही किया था कि किसने किया था, लेकिन हाँ दोस्तों ये हमेशा एक विवाद का विषय रहा है, इसलिए कन्फर्म नहीं पता है। लेकिन ये घटना रोचक है कि किस तरह से भारत ही नहीं पूरी दुनिया में दोस्तों ट्रेनों को हाईजैक करना, लूटना। हमारे यहाँ आज़ादी की लड़ाई में भी ऐसी खूब घटनाएं होती थी जब ट्रेनों को हाईजैक कर लिया जाता था या ट्रेनों को लूट लिया जाता था। दर्जनों सैकड़ों ऐसी फिल्में बनी हैं भारत में भी और विदेशों में भी, जहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरह से ट्रेनों को हाईजैक कर लिया जाता था या ट्रेनों को लूट लिया जाता था।